का लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 3 मंजिला इमारत के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 24 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। NDRF और SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को बाहर निकाला। CM योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, अभी भी क्या लोग उसमें दबे हो सकते हैं, मलबे में, ऐसी कोई आशंका है? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर में जो घटना हुई है उसमें 5 लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या बढ़कर के 28 हो गई है, लेकिन NDRF और SDRF की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, इसलिए ताकि ये इंश्योर कर सके कि अब मलबे के अंदर कोई दबा हुआ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी, ADG लॉ एंड ऑर्डर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और जो जिले के जिलाधिकारी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सभी अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, ये इंश्योर करने के लिए वहाँ पे गश्त की जा रही है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि कोई और वहाँ पर दबा हुआ ना हो, लेकिन फिलहाल 28 लोग घायल हैं और 5 लोगों की अब तक मौत हुई है। लगातार फिलहाल इस बात की कोशिश हो रही है कि पहले रेस्क्यू का काम किया जाए, उसके बाद जो घटना है उसके कारण पता किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो 28 लोग घायल हैं और 5 की मौत हो गई है। बड़ा हादसा लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में।